नमस्कार, विजय विक्रम सिंह। मैं विजय विक्रम सिंह। आज मैं खुश इसलिए हूँ कि एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनी मैंने, और जब कहानी सुनी तो मैंने कहा नहीं, ये तो बतानी पड़ेगी ये कहानी। और उस कहानी से मैंने खुद को रिलेट किया, और अगर मुझे एक लाइन में उस कहानी को डिफाइन करना हो तो वो एक लाइन होगी कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ। बदलाव ही प्रकृति की एकमात्र स्थिर प्रक्रिया है। कैसे? ये कहानी सुनिए। पुराने जमाने में एक मूर्तिकार हुआ करता था, तो पत्थरों को तराश के मूर्तियां बनाता था, और पत्थर खोजने के लिए वो दूर दूर जाया करता था, क्योंकि वो बड़ा ही पर्टिकुलर था कि उसको एक ख़ास तरह का पत्थर ही चाहिए होता था, उन्हीं से वो मूर्तियां तराशता था। तो एक बार ऐसे घूमते घूमते उसको दो पत्थर मिलते हैं, बड़े खूबसूरत से पत्थर, और वो डिसाइड करता है कि अब मैं इनकी मूर्तियाँ बनाऊँगा। अपना औजार लेके वहीं पहुँच जाता है और पत्थरों को तराशना शुरू करता है। तो तराशने की प्रक्रिया तो आपको पता ही होगी कि छेनी हथौड़ी लेके आप पत्थर को मारते हैं। तो पत्थर पर जैसे ही वो पहली चोट करता है, उस पत्थर में से आवाज़ आती है, पत्थर चिल्लाने लगता है, उसको दर्द होता है, वो कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो, कृपा करके मुझ पर दया करो और मुझ पर इस तरह की चोट मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मूर्तिकार थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, फिर भी पता नहीं क्यों उसको लगता है कि नहीं, इस पत्थर से अच्छी मूर्ति बनेगी। वो उस पत्थर की जो रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर करता है और फिर से मारता है पत्थर पर। जैसे ही मारता है फिर से पत्थर में से आवाज़ आती है, ऐसा मत करो, मेरे ऊपर दया करो। अब मूर्तिकार से नहीं रहा जाता है, तो वो सोचता है ठीक है, दूसरा पत्थर है ही मेरे पास, इसको चोट लग रही है, ये गुजारिश कर रहा है, इल्तजा कर रहा है, तो छोड़ देते हैं। और वो दूसरे पत्थर पर चोट करना शुरू करता है, और करते 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 उसको तराशता है, तराशता है, तराशता है, और एक खूबसूरत सी गणपति जी की मूर्ति उसमें से बना देता है। वापस गांव जाता है और कहता है भाई देखो, मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी गणपति जी की मूर्ति बनाई है, और जो नया मंदिर बन रहा है उसमें वो मूर्ति स्थापित की जा सकती है। गांव वाले जाते हैं, देखते हैं, बहुत खुश होते हैं कि वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति है, इसको तो ज़रूर इसी को स्थापित करेंगे हम मंदिर में। वो लोग उसको ससम्मान उठाते हैं, गाड़ी पे रखते हैं और लेके जा रहे होते, तभी एक दूसरा आदमी कहता है कि भाई ये मूर्ति लेके जा रहे हैं मंदिर में, तो मंदिर में नारियल तोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए होगा, तो एक और पत्थर ले लेते हैं। और देखते हैं अरे ये तो बड़ा खूबसूरत पत्थर ये पड़ा हुआ, इसको ही लेके चलते हैं, इस पे नारियल भी फूट जाएगा और मंदिर की खूबसूरती भी बनी रहेगी। दूसरा पत्थर जो कि चोट से डर रहा था उसको उठाया जाता है और ले जाके मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए रख दिया जाता है, और गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। वक्त बीतता है, लोग मंदिर में आते हैं, उस गणेश जी की मूर्ति की पूजा करते हैं, फूलमाला चढ़ाते हैं, धूप दीप अर्पण करते हैं, और जो नारियल हाथ में होता है उसको दूसरे पत्थर पर ज़ोर से चोट करके तोड़ के चले जाते हैं। एक दिन वो दूसरा पत्थर गणपति जी की मूर्ति से कहता है कि वाह भाई, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुमको लोग धूप दीप अर्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सम्मान से देखते हैं, और मुझको आकर चोट करके नारियल फोड़ के चले जाते हैं। तो मूर्ति मुस्कुराती है और कहती है कि देखो, उस समय मैंने वो चोट बर्दाश्त कर ली, तो आज मैं यहाँ पहुँच गया। तुमने मूर्तिकार को मना कर दिया, मूर्तिकार ने तुम्हारे ऊपर चोट नहीं करी और तुम यहां पर। अब इस चीज को मैं अपनी जिंदगी से भी बड़ा रिलेट करता हूं। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल जो है वो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। वो जो स्ट्रगल है आपकी जिंदगी में, वो उस मूर्तिकार की चोट की तरह है। तो ये समझ लीजिए कि जो आपका स्ट्रगल है वो बेसिकली आपको तराशने का प्रयास किया जा रहा है। वो जो स्ट्रगल की पीड़ा है वो छेनी हथौड़ी है, समय की छेनी हथौड़ी है जो आप पर चल रही है ताकि आप तराशे जा सकें। क्योंकि जब आप तराश दिए जाएंगे तो आपके अंदर से जो खूबसूरत मूर्ति निकलेगी वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगी। स्ट्रगल सबकी ज़िंदगी में, डिपेंड ये करता है कि आप उस स्ट्रगल को कितना रेजिस्ट करते हैं और कितना होने देते हैं। बदलाव आपकी ज़िंदगी में तभी आ सकता है जब आप उस चोट को
बर्दाश्त कर लें ये सोच के कि ये हमारे सुनहरे भविष्य के लिए की जा रही चोट है। कोई भी चोट, what doesn't kill you makes you stronger। और लाइफ का स्ट्रगल आपको तब तक नहीं मारेगा जब तक आप खुद उससे हार ना मान जाएं। लाइफ के स्ट्रगल को उस मूर्तिकार की चोट की तरह समझिए और हंसते हंसते उसको तराशने दीजिए। जिंदगी आपको तराश कर एक खरा सोना बना देगी। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप बदलाव को रेजिस्ट मत करिए, होने दीजिए, दर्द सहने की क्षमता पैदा करिए। आज की कहानी इतनी ही। कुछ और अच्छी कहानियों, शेर, कविताओं के साथ आपसे रूबरू होंगे फिर से। लेकिन हम ये करें उसके लिए आपको कोई चोट बर्दाश्त नहीं करनी, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और मिलते रहिए हमसे। नमस्कार।